नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। आज का जो टॉपिक है ब्लैक फिनाइल का है। ब्लैक फिनाइल बनाने के लिए पहले आपको लाइसेंस की ज़रूरी होगी, उसके बाद हैंड ग्लोव्स आपको ज़रूरी है, और उसके बाद छोटे क्वांटिटी में आपको बनाना है। इसका डेमो इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये हीट प्रोसेस में है, और इसका जो है फॉर्मूला चार्ट मैंने दे रखा है। ये जो आइटम है आपको उसके यूज़ करने हैं, कितने क्वांटिटी क्या रेट मिलेंगे ये सब दिख रहे हैं इसमें। इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है मैं वो बता दे रहा हूँ, कस्टर्ड ऑयल जो है, अब ये बीज देख रहे हैं इससे निकलते हैं ये ऑयल। उसके बाद LCO है, जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको दिखेगा चार्ट जो दे रखा हूँ उसमें, इसका फुल फॉर्म MCP है, इसका भी फुल फॉर्म आपको पीछे मिल जाएगा, आप देख बैक करके देख लीजिए इसको। कास्टिक सोडा है लगेगा, कॉमन नमक जो होते हैं वो लगेंगे, और पानी लगेगा। इसका जो क्वांटिटी है इसको सब दे रखा हूँ पीछे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 1 किलो 1.6, 0.24, 0.13, 0.3 और 13। इसमें सबसे पहले क्या करिए, आप एक पानी ले लीजिए और रोसिन मैंने बताना भूल गया, रोसिन भी यूज़ करना है इसमें, लेकिन किस कब यूज़ करना है मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले जो है आप एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, सबसे पहला स्टेप है, और उसमें नमक ले लीजिए 300 ग्राम, 1 किलो पानी में 300 ग्राम नमक लेके उसे मिक्स करके छोड़ दीजिए। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में आपको किसी भी कॉपर के बर्तन वगैरह में 1 लीटर पानी लेना है, 130 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है, 1 किलो जो है कस्टर्ड ऑयल लेना है, और इसको गर्म करना है जब तक ये बॉयल ना हो जाए। अच्छा, बॉयलिंग जो होती है ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये बाहर भी आ जाएगा, और इसे सेफ ढंग से करिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और जब ये तैयार हो जाए तो इसको 6 घंटे के लिए छोड़ दें। 6 घंटे के बाद आप क्या करना है, इसे 6 घंटे के बाद आपको जो एक बड़ा ड्रम लेना है उसमें बचे हुए पानी को डाल दीजिए, जो बचे हुए आपके पानी है। उसके बाद कस्टर्ड ऑयल डालिए, उसके बाद मोनोक्लोरेट फिनाइल डालिए, MCP डालिए, और उसमें मिक्स करिए नमक। कौन सा नमक, जो स्टेप फर्स्ट में आपने 300 ग्राम और 1 किलो के पानी के साथ में मिक्स किया था उसे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। नमक कब यूज़ करेंगे आप और एक्स्ट्रा, जब आपका ट्रांसपेरेंट ब्लैक फिनाइल नहीं दिखेगा तब। अगर ट्रांसपेरेंट ब्लैक फिनाइल दिख रहा है आप नमक यूज़ करना और एक्स्ट्रा बंद कर देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कांच की बोतल वगैरह में पैक कर लीजिए। रोसिन जो मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है उसमें केवल रोसिन को गर्म करना होता है और कस्टर्ड ऑयल में मिक्स करना होता है, बस इसमें और उसमें यही डिफरेंस है। मैंने वैसे भी फार्मूला चार्ट दे रखा है, आप उससे देख के ध्यान से पढ़ के उससे भी बना सकते हो। और इसमें मैंने रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा उसका भी एड्रेस दे रखा है, ये देखिए लिस्ट में दे रखा हूँ, इसमें किस तरह बनेगा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आप देख के पढ़ के इसको बना सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें।